महिला क्रिकेट टीम की ट्राई सीरीज और 2023 के फरवरी में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत कौर को दोनों ही टीम के कैप्टन बनाया गया है और स्मृति मंधाना को वाइस कैप्टन बनाया गया है और दोनों में ही शिखा पांडे को भी रखा गया है, जिसकी आज दिन भर चर्चा होती रही। और इन दोनों टीम्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो वर्ल्ड कप की टीम है उसको बहुत ही दमदार माना जा रहा है। इसमें ऋचा घोष, यशस्वी काफ़ना, शेफाली वर्मा, दीपाली शर्मा, गीतिका विद्या, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, अंजलि सावंत, पूजा वासुकेतर, राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे, रिजर्व में शर्मानी मेघना, स्नेहा राणा और मेघना सिंह को रखा गया है। माना जा रहा है कि ये टीम अब तक की स्ट्रॉन्ग टीम्स में से एक है। शिखा पांडे के इस टीम में सेलेक्ट होने की भी आज दिन भर चर्चा होती रही। बॉलर, अच्छी बॉलर के रूप में शिखा पांडे उभर करके आई हैं और आशा की जा रही है कि ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। देख सकते हैं कि टीम का जो इंडिया का शेड्यूल है वो भी इसमें दिखाया गया है। इसमें 12 फरवरी को पाकिस्तान के साथ केप टाउन में मैच है, 15 फरवरी को वेस्ट इंडीज के साथ केप टाउन में, 18 फरवरी को इंग्लैंड के साथ पोर्ट एलिजाबेथ में, 20 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में भारत का मैच लगा हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में। ये स्क्वाड आप देख सकते हैं।